मुल्क की रियासत पंजाब के शहर लुधियाना के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में धमाका हुआ है जिसमें एक शख्स के हलाक होने की खबर है। अभी तक मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक इस धमाके में एक शख्स की मौत और मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की खबर है। सरकारी तौर पर एक शख्स के हलाक होने की तस्दीक भी हुई है। इत्तलात के मुताबिक धमाका अदालत के अहाते में वाकई बाथरूम में हुआ। इस वाकये के बाद चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल फैल गया। वही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। ये धमाका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की दूसरी मंजिल पर हुआ है। इस मामले पर पंजाब के वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि मैं लुधियाना जा रहा हूं। उन्होंने कहा जैसे जैसे असेंबली इंतखाबात करीब आ रहे हैं मुल्क दुश्मन अनासिर ऐसी हरकतें कर रहे हैं, हुकूमत चौकस है, कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। लुधियाना के कमिश्नर ऑफ पुलिस गुरप्रीत सिंह भुल ने कहा कि धमाके की आवाज लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर रिकॉर्ड रूम के करीब सुनाई गई। तहकीकात के लिए चंडीगढ़ से बम डिस्पोजल स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। इसके अलावा एनआईए टीम इस मामले की जांच के लिए लुधियाना जाने के लिए निकल चुकी है। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।